हमारे जीतने के बाद भी वही व्यवस्था, इंदिरावास में आज भी 25,000 रुपया लिया जा रहा है के नाम पर, अपने विधायक के लोगों के द्वारा टेंडर प्रक्रिया में शामिल कराकर आज कल तक जो ठेकेदार काम करता था वो सीपीआईएम के मेंबर आज माननीय विधायक के द्वारा करा रहे हैं। और चुनाव जीतने के बाद कौन सा अलाउद्दीन का चिराग मिल गया, कौन सा धन का कुबेर मिल गया कि आज बड़ी बड़ी दो लग्जरी महंगी गाड़ियां आपके दरवाजे पर आलिशान मकान बना हुआ। बच्चा जी, सीपीएम के कद्दावर नेता थे और सारण जिले में पार्टी बनाने में अहम भूमिका थे, किन कारणों से पार्टी छोड़ रहे हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं और मांझी के जनता को, किसान मजदूर छात्र नौजवान माताओं बहनों को नमस्कार प्रणाम और सलाम पेश करता हूं। जो आज जो परिस्थिति बनी, विगत कई वर्षों से मैंने पार्टी को साथियों के सहयोग से, मैं जब बेगूसराय से आया तो साथियों के सहयोग से यहां पार्टी खड़ा करने का काम किया। वह पार्टी आज के डेट में यहां अपना एमएलए जिताने में सफल हुई, लेकिन जो परिस्थिति माननीय विधायक के द्वारा खड़ा किया जा रहा है कि जिन गरीब गुरबों का हमने आंदोलन ब्लॉक से लेकर जिला मुख्यालय तक उनके जो सवाल थे, उनके राशन के सवाल, उनके किराशन का सवाल, उनके इंदिरावास के सवाल, उनके पेंशन का सवाल, हमने 35 साल में आम जनता से यह आश्वासन दिया, यह संघर्ष किया कि हम आएंगे तो हम आपका, आपकी योजनाओं में कोई लूट खसूट नहीं होने देंगे। लेकिन हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि क्या ब्लॉक के अंदर इंदिरावास में पैसा कम हो गया है? नहीं हुआ। क्या राशन का वितरण सुचारू रूप से चल रहा है? नहीं चल रहा। क्या ब्लॉक के अंदर कमीशन खोरी बंद हो गई है? नहीं बंद। क्या दूसरे आंगनबाड़ी सेंटर पर उसका कमीशन बंद हो गया है? बच्चों का पोषाहार आज सही समय से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। दूसरा, प्राथमिक विद्यालय मध्य विद्यालय के अंदर, प्राथमिक विद्यालय मध्य विद्यालय के अंदर पोषाहार के नाम पर अपने विधायक के लोगों के द्वारा टेंडर प्रक्रिया में शामिल कराकर आज कल तक जो ठेकेदार काम करता था वो सीपीआईएम के मेंबर आज माननीय विधायक के द्वारा करा रहे हैं। हमने यही बात कहा कि साथियों, हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, आप हम सब लोग मिलकर लड़े थे, हमने आंदोलन किया, हमने संघर्ष किया कि यह व्यवस्था बदलने के लिए हम आए हैं, और हमारे जीतने के बाद भी वही व्यवस्था, इंदिरावास में आज भी 25,000 रुपया लिया जा रहा है, राशन के नाम पर 2,000 रुपया लिया जा रहा है, राशन कार्ड बनाने के नाम पर 2,000 रुपया लिया जा रहा है, वृद्धा पेंशन के नाम पर 1,000 रुपया लिया जा रहा है, अन्य कई ऐसे गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसमें लूट है। क्या लूट बंद हुआ? हम लूट बंद के खिलाफ संघर्ष किए थे, हमें जनता ने वोट दिया, हम बिहार विधानसभा के मेंबर हुए, लेकिन समस्याएं गरीब का आज भी वही क्या वही रहा। अन्य रूलिंग पार्टी और सीपीएम में क्या डिफरेंट है? सीपीएम को गरीबों का पार्टी कहा जाता है, लेकिन आपने जो प्रश्न खड़ा किया है सीपीएम के नेता पे, तो फिर डिफरेंट क्या है दोनों? देखिए, हमने, हमारी पार्टी और दूसरे पार्टियों में एक अंतर है। हमारी पार्टी अपनी संसाधन से लड़ती है, गरीब के सहयोग से लड़ती है। हम जीतते हैं तो गरीब का काम करते हैं, कई उदाहरण है। हमारे वास्ते बाबू 5 बार के एमएलसी बेगूसराय से रहे, 1 बार एमएलए रहे, उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। आज भी सीपीआईएमएल के महमूद आलम 4 बार से विधायक हैं कटिहार के, लेकिन उनके पास कोई बड़ी मकान नहीं है। लेकिन हम मांझी के विधायक और मांझी की जनता से पूछना चाहते हैं कि कौन सा 2010 के बाद आप चुनाव लड़ते हैं कर्कटनुमा
मकान में रहते थे और तो एक एक काम और जो गरीब परिवार के बच्चे बच्चियों को उनके माता पिता आगे पढ़ने के लिए भेज नहीं सकते हैं उनको मदद के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 4 लाख रुपए की सहायता और सदैव हम कहते हैं कि आगे पढ़िए आगे पढ़ाइए और ये रुपया दे रही है सरकार ऋण अगर लौटाने की स्थिति में नहीं होंगे माफ कर दिया जाएगा लेकिन अपने बेटे बेटियों को पढ़ाइए। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। करकट नुमा मकान में रहते थे और चुनाव जीतने के बाद कौन सा अलाउद्दीन का चिराग मिल गया कौन सा धन का कुबेर मिल गया कि आज बड़ी बड़ी दो लग्जरी महंगी गाड़ियां आपके दरवाजे पर आलीशान मकान बना हुआ है। हम जनता के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जिस गरीब की हम लड़ाई लड़े थे उनको भी यह टिप्स मिल जाना चाहिए कि कम से कम उनका भी मकान बच जाएगा। उनके इंदिरा आवास में 25,000 का लूट हो रहा है लेकिन कहीं कोई खोज पूछ नहीं है। उनके नगर पंचायत के अंदर करोड़ों रुपया बगल में जहां हम बैठे हैं 7 रोड बना आज भी अगर आप जाकर देखेंगे तो वह रोड टूट गया है 6 माह के अंदर उसमें गिट्टी बाहर निकल आया। यह है 86 लाख का काम आपके अंदर कराया गया जब चुनाव हुआ चुनाव के बाद आपने उसमें कमीशन के लिए कर्जपालक दूसरे लोगों पर दबाव बना रहे हैं। मैंने इसका विरोध किया इसके पूर्व में भी मैंने कई बार पार्टी के अंदर अपनी बात रखने का काम किया लेकिन विवश होकर इसलिए कि न्याय नहीं मिला मुझे मैं संघर्ष करता रहा कई वर्षों से। पिछले वर्ष 2011 में जब जलालपुर प्रमुख का चुनाव हो रहा था मैं वहां प्रत्याशी था लेकिन पार्टी ने मुझे उम्मीदवारी मेरी वापस करा दी। मैंने पार्टी का बात मानकर उम्मीदवार वापस कर लिया। मैं आपको सबूत के साथ यह बताना चाहता हूं कि आपने भाजपा के उस समय तत्कालीन मंत्री आज के वर्तमान सांसद के उम्मीदवार को आपने जिताने का काम किया। अखबार के कटिंग में यह पूरी तरह से साबित हो गया कि माकपा भाजपा की एकता माकपा के खाते में उप प्रमुख और भाजपा के खाते में प्रमुख दिया गया यह अखबार का कठिन सबूत बनता है। आप उसमें बयान दिए हैं आप उसमें सम्मिलित हैं। 2011 में भी मैंने इस सवाल को लड़ा था लेकिन पार्टी ने आप पर कार्रवाई की सभी लोग मिलकर आत्मालोचना किए फिर भी हमने कहा कि चलिए आत्मालोचना हो गया मैं आगे का काम करूंगा आगे का काम बढ़ेगा। फिर भी नगर पंचायत का चुनाव हुआ पंचायत का चुनाव हुआ पंचायत के चुनाव में आपने प्रत्येक मांझी विधानसभा के अंदर प्रत्येक पंचायतों में बड़े पैमाने पर धन लेकर मुखिया का समर्थन करने का काम किया जो पार्टी के अलग दूसरे दल के लोग भी थे उनको आप समर्थन किए। पार्टी के किसी मेंबर को आपने समर्थन नहीं एकाध दो लोगों को समर्थन किया गया। नगर पंचायत का जब चुनाव हुआ कोपा के अंदर मेरी पत्नी यहां से चुनाव लड़ रही थी आपने बजरंग दल भाजपा समर्थित उम्मीदवार को आपने मदद किया उसके लिए पैसा बांटने का काम किया। इसका ताजा उदाहरण उन गांव में आप बलदीहा गांव में जाकर 2 दिन पहले कह रहे हैं बनकटा गांव में जाकर 2 दिन पहले कह रहे हैं कि हमारा पार्टी वाला तो पैसे नहीं खे कि लो चुनाव लड़ी इले जीती लो पैसा बड़ा खर्चा होता। जनता ने कहा कि आप में भी पैसा हम लोग दिए हैं बच्चा बाबू में भी पैसा हम लोग दे रहे हैं आप मदद कीजिए अतना कतनो लगाइबा लो बच्चा बाबू चुनाव जीती हन ना अभी मुखियावा लगे ज्यादा पैसा बा ओकरे के वोट द लो है जीती और बड़े पैमाने पर पैसा का लेन देन हुआ और मुझे अंततः 6 वोट से मैं पंचायत चुनाव का चेयरमैन का सीट हार गया। ये मैंने पार्टी में लिखने का काम किया आज भी मैं पार्टी से बहुत उम्मीद करता। स्टेट कमेटी और सेंट्रल कमेटी में जो बड़े लीडर हैं आपके पार्टी में वो लोग भी इन सारे भ्रष्टाचारों पर अंकुश लगाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हो रहे हैं। तो अब केंद्रीय कमेटी को तो अभी नहीं कहेंगे मैंने राज्य कमेटी को अपने लिखित सूचना 10 जनवरी को पिछले
10 जनवरी को मैं दिया था, मैंने 22 तक, उन्होंने कहा था कि 22 तक रुक जाइए, 22 तक मैं रुका, 22 को फैसला नहीं आया तो मैं वहां से बोलकर आया कि अगर 22 तक फैसला नहीं हुआ तो मैं 27 को पार्टी से रिजाइन लगा दिया दूंगा। और 27 तक मैं इंतजार पूरे दिन किया और शाम को मैं 7 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने अपने इस्तीफा लोगों के बीच पहुंचाया और पार्टी के अंदर भी मैंने उनके यहां भेजवा दिया, यहां जिला में और राज्य में दोनों जगह भेजवा दिया। और उल्टे मुझे मुझ पर आरोप लगाया गया, प्रोपेगंडा फैलाया जा रहा, लोगों को यह कहा जा रहा है कि बच्चा जी गलत किए हैं इसलिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके ऊपर आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि पार्टी के नाम पर आपने पंचायत प्रखंड के लोगों से लेवी का पैसा लेकर जमा नहीं किया है। देखिए, मैं जलालपुर मांझी प्रखंड का मेरे जिम्मेवारी नहीं है, मैं परसा प्रखंड परसा दरियापुर मकेर का मैं प्रभारी हूं और मैं परसा मकेर दरियापुर इस बार किसी भी कार्यक्रम में मैं नवीकरण में नहीं गया था। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप जनता के बीच चले, मेरा काम परसा के अंदर था, मेरा काम मकेर के अंदर था, मेरा काम दरियापुर पंचायत प्रखंड के अंदर था। अगर एक एक पार्टी मेंबर से आप पूछेंगे, अगर एक भी पार्टी सदस्य यह बात कहने के लिए तैयार हो जाएगा कि मैंने आपको कोई रुपया दिया है तो मैं इसके लिए जो भी सजा मिलेगा मैं अपने आप से देने के लिए तैयार हूं। अब किन पार्टियों में जाने की तैयारी है? देखिए, मैं सितंबर माह में अभी किसान मजदूरों के बीच मैंने काम किया है, गरीबों लोगों का काम किया है, आज उनकी खेती बाड़ी का बड़ा सवाल है, वो उसी में व्यस्त है। मैं सितंबर माह से अपने समर्थकों, अपने चाहने वालों, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से सितंबर माह में मैं सभी जगह मिलने का काम करूंगा। मिलने के बाद जो साथियों का राय होगा, जो हमारे समर्थक या चाहने वालों का जो बात विचार होगा, एक मुश्त से राय करेंगे और राय करने के बाद आगे के काम में हम आप लोगों को बता देंगे। माझी विधानसभा में यह भी चर्चा है कि आप विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, माझी विधानसभा के अंदर चुनाव का जहां तक सवाल है, मैं अपने जनता के बीच जाऊंगा, जनता का जो आदेश होगा, जनता अगर कहेगी कि आप हमारे बीच आए, आपने 35 साल काम किया है, तो मैं उनके बीच जाऊंगा, आशीर्वाद लेने के लिए जाऊंगा, निश्चित रूप से जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।